नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये कम से कम 300 ग्राम ये पनीर लिया है। ये मेरा होममेड पनीर है। इसे मैंने क्यूब में काट लिया है और इसे अब फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे पनीर और दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं और इसे अब निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये पनीर तो फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और पनीर की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। और बाकी बचे हुए पनीर है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और बाकी बचे हुए पनीर भी फ्राई हो गए हैं, इसे भी निकाल लेंगे हम प्लेट में। तो सभी पनीर को हमने निकाल लिया है। अब हमने शिमला मिर्च ली है दो, इसको मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अगर फ्राई करके हम शिमला मिर्च पनीर की सब्जी में डालते हैं तो पनीर की सब्जी में गजब का स्वाद आता है। तो ये शिमला मिर्च फ्राई हो गए हैं, इसे भी निकाल लेंगे हम प्लेट में। इसके बाद मैंने दो प्याज को चौकोर टुकड़ों में काट के और इसके पेटल्स को अलग कर लिए हैं, तो इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करके अगर हम प्याज और शिमला मिर्च पनीर की सब्जी में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए प्याज भी फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे। तो इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल के गर्म होने पर हम डालेंगे इसमें एक तेजपत्ता और एक छोटी चम्मच जीरा। और जब ये चटक जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था, तो इसे डाल देंगे। अब प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है और इसके ब्राउन होने पर सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे भून लेंगे। इसका कच्चापन निकल जाने से सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन गया है। अब डालेंगे इसमें दो चम्मच बेसन। बेसन को भी हम इतना भुनेंगे कि उसका कच्चापन निकल जाए। और बेसन यहाँ भुन गया है। और बेसन डालने का एक सीक्रेट ये है कि इससे ग्रेवी थिक हो जाती है। तो चलिए अब डालेंगे हम इसमें टमाटर। दो टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी और इसको डाल के प्याज के साथ भून लेंगे। और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक आप पहले थोड़ा ही डालें और बाद में नमक अगर कम लगे तो आप ऊपर से उसमें दोबारा डाल सकते हैं लास्ट में। अब नमक को मसाले में मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर हम कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो 2 से 3 मिनट बाद मिलते हैं। टमाटर भी भुन चुके हैं, मसालों ने साइड से तेल छोड़ दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े ड्राई मसाले। एक छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। बस इस मसाले को मिक्स कर लेंगे और इस समय हम पानी नहीं डालेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसी तरह से इसे भून लेंगे बिना पानी के कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए। मसाले को हमने बिना पानी के भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी और उसके बाद इसको कवर करके पकाएंगे। तो मैंने पानी डाल के इसको मैंने कवर कर दिया था। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो एक बार चलाने के बाद फिर से हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। तो 2 मिनट भी हो चुके हैं, मसाले भुन गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। और अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच भर के दही। और दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और इसको डाल के हम लगातार कंटिन्यू चलाएंगे जब तक दही और मसाले मिक्स ना हो जाए और तेल छोड़ने ना लगे। दही मसालों में मिक्स हो गए हैं। अब डाल देंगे इसमें फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च, इसको भी डाल के हम भून लेंगे मसालों में। 1 मिनट मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। 2 मिनट बाद देखिए मसाले भुन चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 4 हरी मिर्च, जो कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा लेके आता है। मेरे पास ये
हरी मिर्ची थी जो कि लाल हो चुकी है, तो इसे ही डाल लेते हैं। कोई बात नहीं, आप हरी मिर्च डाल लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी आप इतना ऐड करिए जितना आपको ग्रेवी बनानी है। तो बस मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा इसे ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी। अब इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद इसे एक बार चेक कर लेते हैं, चला लेते हैं, और ताकि सब्ज़ी हमारी कढ़ाई में चिपके ना। और अब डाल देंगे इस पे हम पनीर, और पनीर डाल के फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर इसे कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में। और ये सब्ज़ी यकीन मानिए, पूड़ी, पराठे, चावल आप किसी के साथ भी खाएं या फिर नान रोटी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर आप अगर इस तरह से एक बार घर में बनाएंगे तो आप होटल में या रेस्टोरेंट में जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर ये सब्ज़ी बनाएं। और ये देखिए, ये सब्ज़ी हमारी अब लगभग बन चुकी है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी, 1 चम्मच के करीबन, और वो भी हाथ से थोड़ा सा क्रश करके। और उसके बाद डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और ये देखिए, हमारी पनीर की और शिमला मिर्च की सब्जी बनके तैयार हुई है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब डाल देंगे इसमें हम फ्रेश क्रीम, और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ा सा फेंट के। तो ये सब्जी हमारी हो गई रेडी, और मैंने प्लेटिंग कर दी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सब्जी कैसे लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों।